श्रीनगर में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर बड़ा ग्रेनेड अटैक, हमले में 12 लोग घायल, जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद का संविधान संरक्षण सम्मेलन, 50,000 से ज्यादा जुटी लोगों की भीड़। सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा। संविधान संरक्षण सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी बोले, भाईचारे को आग लगा रही हैं फिरकापरस्त ताकतें, मुसलमानों के लिए मुल्क को बनाया जा रहा है जहन्नुम। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, अमित शाह ने झारखंड के लिए गिनाए वादे, कहा झारखंड के भविष्य के लिए है चुनाव, कुशासन और भ्रष्टाचार का करना है अंत। झारखंड के लिए बीजेपी ने किए 25 संकल्प, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा, 2,87,000 पदों पर भर्ती का भी संकल्प पत्र में जिक्र। अमित शाह का आरोप, झारखंड सरकार ने विकास कार्यों को रोका, शाह ने कांग्रेस को बताया पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी, बोले झारखंड में पेपर लीक और बेरोजगारी से त्रस्त हैं युवा, राज्य में आदिवासी भी नहीं है सुरक्षित। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले झारखंड में आएगा यूसीसी, रोकी जाएगी अवैध घुसपैठ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी का हमला, बीजेपी के संकल्प पत्र पर किसी को भरोसा नहीं, लंबे समय तक शासन करने के बाद भी बीजेपी ने नहीं किया झारखंड का विकास। वायनाड के रण में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, लोगों से मांगा समर्थन। मुंबई में 14 नवंबर को होगी पीएम मोदी की बड़ी चुनावी सभा, शिवाजी पार्क में जुटेंगे महायुति के दिग्गज नेता। भाई दूज पर मशहूर गायिका आशा भोसले के घर पहुंचे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, आशा ताई ने तिलक लगाकर उतारी आरती। एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक का सनसनीखेज आरोप, कहा बीजेपी और शिंदे गुट मुझे हराना चाहते हैं, मानखुर्द शिवाजी नगर से किया बड़ी जीत का दावा। महाराष्ट्र में उल्हासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी का विवादित बयान, बोले जिन्हें गद्दार कहा जाता है वही बन जाते हैं मुख्यमंत्री, बीजेपी में आकर हो जाते हैं खुददार। यूपी में पोस्टर वॉर जारी, लखनऊ में एसपी मुख्यालय के ठीक सामने लगा नया पोस्टर, लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। उपचुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा 9 की 9 सीटों पर होगी समाजवादी पार्टी की हार, कांग्रेस के साथ छोड़ने से तनाव में अखिलेश यादव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया मैसेज, लिखा 10 दिन में इस्तीफा दें नहीं तो कर देंगे बाबा सिद्दीकी जैसा हाल, धमकी देने वाली महिला को एटीएस और थाने पुलिस ने मिलकर उल्हासनगर से किया गिरफ्तार। आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का दावा, कानपुर यात्रा के दौरान ट्रेन पर फेंके गए पत्थर, चंद्रशेखर आजाद ने हमले की तस्वीर पोस्ट की। सत शर्मा बनाए गए जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष, रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेजा गया। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन हर मोर्चे पर सतर्क, टेंट से लेकर टिकट काउंटर तक व्यवस्था मुकम्मल। छठ पर गुजरात में सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। लाख कोशिशों के बाद भी यमुना में तैरता जहरीला झाग बरकरार, कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल के बावजूद मामूली सुधार, छठ करने वाले लोगों की बड़ी चिंता। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी ने नहीं दी मंजूरी, बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रस्ताव।
छठ को लेकर पटना के घाटों पर पुख्ता व्यवस्था, नदी किनारे बांस और बल्ले से की गई बैरिकेडिंग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात, घाटों पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध। महापर्व छठ के लिए तैयार हुए वाराणसी के घाट, वरुणा नदी की सफाई का सिलसिला भी जारी। छह महीने के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के कपाट, आर्मी बैंड के साथ बाबा की डोली का ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान, झूमते नजर आए भक्त। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में विशेष तैयारी, केंद्र सरकार की तरफ से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त राशन, कुंभ मेला क्षेत्र में खोली जाएंगी राशन की नई 160 दुकान, 13 जनवरी से होनी है महाकुंभ की शुरुआत। भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर एक युवक ने रखे जूते, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, कांग्रेस ने मूर्ति को दूध से नहलाया। बिहार के किशनगंज में एक ही परिवार के तीन बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत पर हड़कंप, एक बच्चे का पटना एम्स में इलाज जारी, मौत का संभावित कारण डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस, मान रहा है स्वास्थ्य विभाग। दिल्ली में अलीपुर इलाके के गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुटा दमकल विभाग, मौके पर मौजूद दमकल विभाग की 13 गाड़ियां, कंट्रोल में स्थिति। मध्य प्रदेश के सीधी में सीआर ने 8 लोगों को बनाया शिकार, सीआर के हमले में 2 बच्चे भी घायल, दहशत में ग्रामीण। मुंबई टेस्ट में भी भारत की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराया, 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप।